दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चोर टैक्टिकल के साथ। मैं अभिषेक और आज है मंगलवार और मंगलवार को होता है कुछ दुनिया माने सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान। और आज हम बात करने वाले हनुमान जी के संबंध में। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम रामकथा हनुमान के द्वारा लिखी गई थी, वो भी एक चट्टान पे, एक शिला पे, नाखून के माध्यम से लिखी गई थी। रामकथा वाल्मीकि रामायण से पहले लिखी गई थी, जो कि हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे और हनुमान जी हिमालय चले गए और वहाँ पर शिव तपस्या के दौरान उन्होंने एक चट्टान एक शिला पे प्रभु श्री रामचंद्र जी महिमा और उनकी कथा लिखना चालू कर दिए और उसी समय हनुमत रामायण की भी रचना हुई। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और उनके मन में विचार आया कि ये शिव शंकर जी को समर्पित करने की इच्छा हुई, तो अपनी रामायण को लेके वो कैलाश पर्वत पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हनुमान जी और हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई हनुमत रामायण को देखकर निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देख हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की निराशा का कारण पूछा, तो वाल्मीकि जी ने कहा जो मैंने रामायण लिखी है वो बहुत ही कठोर परिश्रम से लिखी है, पर तुम्हारी रामायण को देख के लगता है कि मेरी रामायण अपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का समन करते हुए हनुमान जी ने एक कंधे पे हनुमत रामायण पर्वत शिला को उठाया और दूसरे कंधे में वाल्मीकि जी को बैठाया और समुद्र के पास ले गए। वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए उन्होंने अपने हनुमत रामायण को समुद्र में समा दिए और तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण को हनुमान के द्वारा ही समुद्र में समा देने पर वाल्मीकि जी ने बोले कि हे राम भक्त हनुमान जी, आप धन हैं, आपके जैसा ज्ञानी और दयावान कोई और नहीं है। आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि इसकी कलयुग में मैं एक और जन्म लूँगा और जब मैं रामायण की रचना करूँगा तो उसमें आपकी महिमा का गुणगान करूँगा और जो रामायण लिखूँगा वो भी आम लोगों की भाषा में होगा। माना जाता है कि रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही रामचरित मानस लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। जय श्री राम।